अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फिजिक्स एनजाइटी। तो आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक थ्योरी है, जो हम सेमीकंडक्टर्स को रिलेट करते हुए एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एटॉमिक थ्योरी में बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल आप सब ने 9 मैट्रिक में पढ़ा ही होगा। बोहर एटॉमिक थ्योरी हमें ये बताती है कि एक एटम की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, एटम किस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एटम का। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास एटम जो है 3 बेसिक मटेरियल पे बेस करता है। सबसे पहले है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, जिसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मिलके न्यूक्लियस जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में इसके अराउंड मूव करने लग जाते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिसे हम शेल और ऑर्बिट कहते हैं। इसकी नंबरिंग एटॉमिक मॉडल के थ्रू ये बताया गया कि के, एल, एम, इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते हैं, सेकेंड को एल एंड सो ऑन, एम एन, इसके आगे जितने भी शेल्स होंगे उन्हें हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी में सबसे मेन जो टॉपिक था हमारा वो न्यूक्लियस के किस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये डिस्कशन हो गई हमारी। उसके बाद हमें बात करनी है वैलेंस शेल पे। तो वैलेंस शेल क्या होते हैं? जब हमारे पास कोई न्यूक्लियस जो है वो बॉन्ड बनाता है तो वो वैलेंस शेल के थ्रू बॉन्ड बनाता है। और वैलेंस शेल की जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, द आउटर मोस्ट शेल दैट डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ एन एटम। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जो लास्ट वाला शेल होता है हमारे पास किसी भी एटम का लास्ट शेल जो होता है उसे हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। और आउटर मोस्ट शेल जो है वो एटम का वो शेल होता है जो कंडक्टिविटी शो करता है। अगर हम उसे किसी भी एटम के साथ रखें तो वो कंडक्टिविटी को शो करता है कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, उसके इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी एक्चुअली में कितनी है। ठीक है, तो ये हमारे वैलेंस शेल होता है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि वैलेंस शेल किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। एटॉमिक थ्योरी बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमने ये सीखा कि न्यूक्लियस बिल्ड करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके, और उसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक सर्कल पे, जिसे हम ऑर्बिट और शेल कहते हैं। इसकी नंबरिंग हम के, एल, एम, एन के थ्रू करते हैं, और अगर लास्ट आउटर मोस्ट शेल जो कंडक्टिविटी शो करता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, तो अब इस वैलेंस शेल का काम क्या होता है और इस ये क्यों ज़रूरी है हमारे कोर्स में? तो ये एक्चुअली में कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, अगर हमें किसी वैलेंस शेल की कंडक्टिविटी देखनी है तो हम उसके इलेक्ट्रॉन देखेंगे, क्योंकि उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उसकी कंडक्टिविटी को शो करेंगे। जैसे कि मान लें एक मेरे पास एटम है, एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास वैलेंस शेल है वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आपको ये मैं बताते चलूँ कि जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल होता है, जो वैलेंस शेल होता है, वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। ठीक है, जो हमारा वैलेंस शेल होता है वो तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। अब हम बात कर रहे थे कंडक्टिविटी की। वैलेंस शेल में हमारे पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इट्स मीन कि वो 7 इलेक्ट्रॉन और होल्ड करने की ताकत है उसके अंदर, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद है उस एटम के अंदर। अगर उस एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद है तो इसका मतलब वो गुड कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी तरफ जगह दे सकता है अपने एटम में, तो इसलिए वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। इसका मतलब है उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है।
एंड अगर मैं इसी के बिहाफ पे ये बात करूँ कि एक मेरे पास एटम है, उसके वैलेंस शेल पे मेरे पास है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट हमने बात की कि हमारे पास वैलेंस शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो गुड कंडक्टर है। अगर मैं कह रही हूँ आपसे कि एक वैलेंस शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, और मैं कह रही हूँ कि एक एटम हमने अज्यूम किया जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो और कंडक्टिविटी शो कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में जगह दे सकता है? यस, द आंसर इज़ नो, बिकॉज उसके पास जो मैक्सिमम एबिलिटी थी वो तो ख़त्म हो गई ना, 8 इलेक्ट्रॉन उनके पास उसके पास है, अब उसको क्या ज़रूरत किसी और इलेक्ट्रॉन की। तो ये एक गुड इंसुलेटर बन जाता है। इट्स मीन कि अगर उसके इर्द गिर्द अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो किसी तरह की एक्साइटमेंट शो नहीं करेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को ना ही वो अट्रैक्ट कर सकता है, ना ही रिपेल कर सकता है, वो बस एक इंसुलेटर बन चुका है, वो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी के किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वैलेंस शेल, जो जिससे कंडक्टिविटी ज़ाहिर होती है कि किस तरह से हम कंडक्टिविटी कर सकते हैं किसी एटम के थ्रू। ये आज इस पे पढ़ लिया हमने, आगे चलते हैं तो हम अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास जो वैलेंस शेल 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं, और अगर वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करे तो उसे गुड इंसुलेटर कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा वैलेंस शेल हो जिसके पास इसके हाफ मिड वे के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इट्स मीन कि मैं कह रही हूँ कि एक मेरे पास एटम है जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम का पार्टिकल है मेरे पास जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा? देखो, अब हमारे पास एक था गुड इंसुलेटर और एक है गुड कंडक्टर, उसके मिड की बात आ गई जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है, तो ना ही ये कुछ अच्छा इंसुलेटर बन सकता है, ना ही ये अच्छा कंडक्टर बन सकता है, मतलब कि ये हाफ वे बात हो गई। तो इसकी डेफिनेशन हम सेमीकंडक्टर अक्सर बुक्स वगैरह में इस तरह से देखते हैं। सेमीकंडक्टर आर एटम्स डेट कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी वजह से इसे हम ये कह सकते हैं कि अ सेमीकंडक्टर एटम इज़ नेदर अ गुड कंडक्टर नॉर अ गुड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर एटम्स इज नेदर अ गुड कंडक्टर नॉर अ गुड इंसुलेटर। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई कि सेमीकंडक्टर के पास एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वैलेंस शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और किस तरह से हम इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास हाफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ना ही ये अच्छा कंडक्टर बन सकता है, ना ही ये अच्छा इंसुलेटर बन सकता है। तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये तो ना ही अच्छा कंडक्टर है, ना ही अच्छा इंसुलेटर है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमारे पास डिवाइसेस में अगर एक अच्छे इंसुलेटर को लिया जाए तो वो तो इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं करवा सकता, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रॉन ही पास नहीं हो सकता तो करंट कैसे फ्लो होगा? अब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो हमारा डिवाइस जो भी हम बना रहे हैं वो किसी काम का नहीं है, तो फिर हम कंडक्टर का यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं कंडक्टर का यूज़ करूँ किसी भी डिवाइसेस में, जो हमारे मोबाइल फ़ोन में डिवाइसेस लगते हैं, अदर डिवाइसेस, रेडियो, टेलीविज़न, कुछ भी लेने आप, उसमें अगर हमारे डिवाइसेस में अगर मैं कंडक्टर लगा दूँ, कंडक्टर क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं उसमें करंट फ्लो करवाऊँगी, अगर मैं उसमें करंट फ्लो करवा रही तो होगा क्या कि इतनी तेज़ी में करंट उसमें से पास होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, वो एक्साइटेड हो जाएंगे और उसके बाद हीट लॉस होगा और हमारी चीज़ें बर्न होने का खतरा है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। सेमीकंडक्टर के एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैलेंस शेल है, लास्ट वाला जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो इस वैलेंस शेल में आपको नज़र आ रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए हुए हैं पहले से,
इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम इन तीनों में, ये तीनों जो है वो सेमीकंडक्टर एटम्स हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से हम जो मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं वो सिलिकन कर करते हैं और जर्मेनियम। हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी हमारे पास डायोड्स बनाए गए हैं, ट्रांजिस्टर बनाए गए हैं, पीएन जंक्शन जिस एटम से मिलके बनता है वो सिलिकॉन होता है। इसकी मेन वजह मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बन। कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है हमारे पास, उस वो जो है वो न्यूक्लियस के काफ़ी करीब है, ठीक है। मतलब कि इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, जो न्यूक्लियस के जितना करीब होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस के करीब है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। सेकंड थिंग, सिलिकन आ जाता है। सिलिकन में हमारे पास 3 शेल्स हैं जिसमें से आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट आ जाता है हमारे पास जर्मेनियम। जर्मेनियम के पास 4 शेल्स हैं और उसके पास लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। हम इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। कार्बन का यूज़ नहीं होता है इसलिए क्योंकि कार्बन एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, बिकॉज के ये कार्बन एटम्स होते हैं वो डायमंड बनाते हैं, ठीक है, ये डायमंड बिल्ड करता है और डायमंड बहुत एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से हम कार्बन का यूज़ नहीं करते। और सिलिकॉन जो है इस वे में चीपेस्ट है, इसकी वजह से हम सिलिकॉन का ज़्यादातर डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन पढ़ी, सेमीकंडक्टर क्या होता है। उसके बाद मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया आपसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है किसी भी एक एटम पार्टिकल का, ठीक है। तो अब सिलिकॉन का यूज़ क्यों होता है और इसके एनर्जी लेवल्स के बारे में मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। तो मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।